अहले अरब रोजे की इबादत से वाकिफ नहीं थे। उनके यहाँ मिल्लत इब्राहिमी की कुछ चीजें तो चली आ रही थी, अगरचे बिगाड़ हो गया था। नमाज थी, उसमें वो सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे, नमाज तो थी, इसका जिक्र जो है कुरान मजीद में मौजूद है। हज मौजूद था, हज में कुछ चीजें उन्होंने बदल दी थी, तलबिया में मुशरिकाना अकीदा शामिल कर दिया था। और यह है कि कुरैश ये कहते थे कि हम अरफात नहीं जाएंगे, अरफात का मैदान जो है वो हुदूद हरम से बाहर है, हम हरम के मुतवल्ली हैं, हम हरम से बाहर नहीं जाएंगे। ये अरफात तो दूसरे लोग जो है बाहर से जो आते हैं उनका काम है कि वो अरफात जाए, ये भी उन्होंने गलत काम कर लिया था। और जैसा कि मैं बाद में भी अर्ज करूँगा कि जब सारे मनासिक के हज अदा हो जाए तो उसके बाद 3 दिन का क़याम और है मिना में, वो 3 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। ये अल्लाह के जिक्र के लिए ये दिन थे, तो उन्होंने इसमें अपने आबाव व अजदाद का जिक्र जो है वो करना शुरू कर दिया। हमारे बड़े ऐसे थे, ऐसे बहादुर थे, ऐसे सखी थे, उनका जिक्र मुबालगे के साथ। तो बहरहाल हज के अंदर उन्होंने खराबियां तो डाल दी थी, हज मौजूद था, हज होता था, तवाफ होता था बैतुल्लाह। इसी तरह ज़कात के नाम से कोई इबादत ना सही थी, लेकिन सदकात खैरात ये तो उनके यहाँ था, लेकिन सौम की इबादत से वो वाकिफ नहीं थे। ये लफ्ज जो अरबी जबान में आता है ये घोड़ों के लिए आता था, घोड़ों को रोजा रखवाते थे। क्यों? आपको मालूम है उनका पेशा ही था गारतगरी, लूट मार, और लूट मार में खासतौर पर रात के पिछले हिस्से में जाके कहीं छापा मारना, लूट मार करना, गारतगरी करना, खुरेजी करना, फिर वहां से भागना, ये जो गोरीला वार का तरीका होता है, फिर वहां पर मुकाबले करने के लिए रुकना नहीं है, फिर बल्कि वहां से भाग जाना। उसके लिए उन्हें तेज रफ्तार सवारी की जरूरत थी। उनकी जो आम सवारी है ऊंट, वो वैसे तो बहुत से एतबारात से उनके लिए बहुत मौजूद सवारी है, वो प्यास भी बर्दाश्त कर सकता है, एक एक हफ्ते तक अगर पीने को पानी ना मिले तो उसे परवाह नहीं है, भूख बर्दाश्त कर सकता है। रेत में चलने के लिए उसको पाँव अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं, चौड़े चौड़े पाँव। फिर यह कि वो धूप की सख्ती, लू की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसमें रफ्तार तेज नहीं है, तेज रफ्तारी के लिए घोड़ा चाहिए, और घोड़ा नाजुक मिजाज जानवर है, वो भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, गर्मी और लू की हिद्दत और शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे आदी बनाने के लिए रोजा रखवाते थे, भूखा रखा, खाना पीना उसका बंद कर दिया, चारा डालना बंद कर दिया, पानी पिलाना बंद कर दिया, फिर जब लू चलती थी तो उसका रुख मुंह जो है लू की तरफ करके, और फिर वो बद्दू खड़ा हो जाता था, अपना मुंह और अपना सर तो ढांप लेता था अपने घुटने के अंदर, लेकिन वो घोड़े का मुंह रखता था सीधा लू की तरफ, ताकि उसको लू बर्दाश्त करने का मादा उसको पैदा हो जाए। इसको कहते थे रोजा, ये जो है हमारा घोड़ा जो है रोजे से। तो हमें कुरान मजीद में जो मक्की कुरान है, मक्की सूरतें, ये 2/3 तकरीबन बनती है पूरे कुरान का, उसमें कहीं सौम का जिक्र नहीं है। एक जगह बरसबील तस्करा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जिक्र में है कि जब विलादत हो गई है और हजरत मसीह को अब लेकर उन्हें आबादी में जाना था, वो तो एक बिल्कुल वीरान जगह में जाकर उन्होंने वो सारा जो शिद्दत है वज़ हमल की वो बर्दाश्त की, इसलिए कि शादी तो उनकी हुई नहीं थी, तो अब ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो अब वो बहुत परेशान थे कि मैं क्या करूँगी, क्या कहूँगी, इस बच्चे को ले जाऊँगी। तो कुरान मजीद में सूरह मरियम में है कि या तो फरिश्ते ने पुकार कर कहा या उसी बच्चे ने पुकार कर कहा, घबराए नहीं। अगर किसी इंसान को आप देखें तो कह दें कि मैंने तो रहमान के लिए, अल्लाह के लिए एक रोजे की नजर मानी हुई है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। बस ये सौम का एक जिक्र जो है मक्की आयात में एक जगह पर है, वो भी बस सबीले तस्करा है, कोई हुक्म के तौर पर नहीं। इस हवाले से अगर गौर किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए हिजरत करके, तो आपने देखा कि यहूदी मुहर्रम की 10वीं तारीख आशूरा उसका रोज़ा रखते थे। आपने पूछा क्यों रखते हो रोज़ा, उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन अल्लाह ने हमें फिरौन से निजात दी थी, समंदर को फाड़ कर हमें पार करा दिया था और फिरौन को उसके लश्कर समेत गर्क कर दिया था, तो हम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मूसा के तो हम ज़्यादा हकदार हैं तुमसे, लिहाजा मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम रोज़ा रखा करो आशूरे का।
बाद में फरमाया ये यहूदी एक रखते हैं, तुम दो रखो, ताकि एक इम्तियाज भी कायम रहे, अलहदगी भी कायम रहे। लिहाजा नवी मुहर्रम की और दसवीं के रोजे रखने मुसलमान ने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद अब तीन रोजे हर महीने में लाजिम कर दिए गए। मैं लफ्ज़ फर्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा उसको। तीन रोजे लाजिम कर दिए गए कि अय्याम 20 के 13वीं 14वीं और 15वीं तारीखें जो है हर महीने की, उसमें रोजे रखो। हिकमत क्या थी? एकदम एक महीने का रोजा फर्ज हो जाए, और वो महीना फर्ज कीजिए मई का है, जून का है, तो कयामत टूट पड़ेगी लोगों पर। इन्हें आदि बनाओ रफ्ता रफ्ता। अगर गर्मी का महीना भी है तो तीन दिन झेल लें, बर्दाश्त करें, फिर अगर अच्छे मौसम के आ गए तो ठीक है, वो भी आ जाएंगे बीच में। तो तीन दिन के ये रोजे लाजिम किए गए, और उसके लिए पहला हुक्म कुरान का जो आया है, कुतिब अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया तुम पर रोजा रखना, वाजिब कर दिया गया। वजूब असल में दो तरह का होता है, अभी मैं अर्ज करूंगा आपसे। वजूब अल ऐन, वजूब अल खियार। ये जो रोजा वाजिब किया गया, कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि रोजा रखना लिख दिया गया था, फर्ज किया गया था उन लोगों पर कि जो तुमसे पहले हो गुजरे, तमाम उम्मतों पर रोजा जो है वो लाजिम रहा है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। जो इसमें हिकमत सौम का जो जिक्र है वो मैं बाद में बयान करूंगा, अभी मैं सिर्फ उस पहलू से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मेरी राय में और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की राय में और इमाम राजी की राय के रूप से बहुत से जो सल्फ के अंदर ताबईन हैं उनकी राय में ये हुक्म रोजे का रमज़ान का नहीं है बल्कि अय्याम 20 का है। इसलिए कि आगे फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। अब रमज़ान को आप अय्याम मादूदात नहीं कह सकते, गिनती के चंद दिन तो नहीं, 29 दिन पूरे करना, 30 दिन पूरे करना, बहरहाल मुशक्कत तलब बात है, आसान काम तो नहीं है। वो में गर्मी के मौसम भी आएगा, अब रफ्ता रफ्ता हम जा रहे हैं गर्मी की तरफ। अय्याम मादूदात, अब ये एक तरीका है तशवीक का, तरगीब। देखो भाई फिक्र न करो, हिम्मत करो, गिनती के चंद दिन है ना। इसमें भी रियायत की रखी, फमन कानम इनको मरीजन और वाला सफर इन फायदा तुम मिन अय्याम नुखर, जो कोई तुम में से सफर पर हो या मरीज हो तो वो तादाद पूरे दिनों में कर ले, दूसरे दिनों में कर ले, यानी कजा दे। 13वीं 14वीं और 15वीं में किसी तारीख को रोजा नहीं रख सका, या किसी महीने में तीनों रोजे जो हैं किसी सफर में निकल गए, तो बकिया दिनों में वो तीन रोजे रखकर उसकी कजा दे दें। वह अलजीना यूँ रहू, और वो लोग के जिन्हें ताकत हो वो रख सकते हो, ना सफर पर है ना मरीज है, फिदियतुन ताम मिस्कीन, अगर वो रोजा ना रखें तो उसका फिदिया है एक मिस्कीन का खाना खिला देना। एक रियायत और रह गई, दो रियायतें हो गई, बीमार हो सफर पर हो तो कजा कर लो दूसरे दिनों में, और अगर किसी वजह से तबीयत बिल्कुल नहीं मान रही, तबीयत आमादा ही नहीं है रोजा रखने पर, तबीयत जो है किसी तौर से आमादा नहीं हो रही, तो उसका एक फिदिया है, उसका एक कफारा है, एक मिस्कीन को खाना खिला दो। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, और जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा खैर कमाए, एक के बजाय 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, तो ये उसके लिए बेहतर है, उसको ज्यादा अजर सवाब मिलेगा। वह अंत सूमू खैरुल्लकुम, और अगर तुम रोजा रखो तो इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है, इनको तुम तालमून, अगर तुम समझते हो। अब ये अल्फाज जो है खुद बोल रहे हैं, तरगीब है, अंत सूमू खैरुल्लकुम, अगर तुम रोजा रखो तो ये बेहतर है, फायदा ना उठाओ जो तुम्हें दूसरी रियायत दी जा रही है कि रोजा ना रखो तो उसका फिदिया जो है एक मिस्कीन का खाना खिला देना, इससे फायदा ना उठाओ, इसी में बेहतरी। फिर अय्याम मादूदात, मैंने आपसे अर्ज किया गिनती के चंद दिन। अब उसूल कुरान मजीद का यह है, कुरान यफस्सिर बादहु बादा, कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर बयान करता है। ये अय्याम मादूदात के अल्फाज आए हैं दो ही रुकुओं के बाद हज के ज़िमन में। हज के ज़िमन में जैसा कि मैंने इब्तिदा में भी अर्ज किया था, जब तमाम मनासिक हज अदा हो गए, वकूफ अरफा भी हो गया, मुजदलफा भी हो गया, फिर कुर्बानी भी हो गई, हल्क भी हो गई, रमी हो गई, ये सारे जो है तमाम जो मनासिक हैं वो पूरे हो गए। अब दो दिन या तीन दिन क़याम करो मिना में अल्लाह के जिक्र के लिए,
चुनाचे उन रुकू में फरमाया गया फैजा कज़े तुम मनासे कुम फसकुरुल्लाह का जिक्र कुम आबा कुम अवशद जिक्रा। जब तमाम मनासे की हज अदा हो जाए पूरे हो जाए तो फिर अब अल्लाह के का जिक्र करो उतना शिद्दत के साथ बल्कि ज्यादा शिद्दत के साथ जिसके साथ तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे। ये खराबी उन्होंने कर ली थी बजाय अल्लाह की याद के अल्लाह के जिक्र के अल्लाह की अजमत के बयान के अल्लाह के इनामात और एहसानात के तस्करे की बजाय वो अपने बड़े लोगों के जो हैं औसाफ और उनका किरदार उनके कारनामे और उनकी सखावत उनकी शुजात उनकी बहादुरी ये इसका सबका कर। तो फरमा नहीं फस्कुरुल्लाह का जिक्र कुम आबाकुम अशद जिक्रा तो अल्लाह का जिक्र किया करो जैसे कि अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते रहे हो बल्कि उससे भी ज़्यादा। आगे कहकर फरमाया फस्कुरुल्लाह फी अय्यामी मादूदात वही अल्फाज आ गए जिक्र करो अल्लाह का गिनती के चंद दिनों में फमन ताज्जला फी यौमैन फला इस्माले जो कोई तीन दिन पूरे करने की बजाय दो दिन पूरे करके चला आया उस पर भी कोई गुनाह नहीं है फमन ताखरा फला इस्माले और जिसने मुअख्खर किया और पूरे तीन दिन वहाँ पर लगाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। अब यहाँ दो या तीन दिन के लिए आ रहा है अय्याम मादूदात इसी तरीके से जो फरमाया अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन वला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये है दर हकीकत इस रोज़े का पहला हुक्म अय्याम 20 के तीन रोज़े। जब रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज हो गया तो अब ये वाजिब नहीं रहे इसे कहते हैं वजूब अल खियार इख्तियार है चाहे रोज़ा रख लो चाहे एक मिस्किन को खाना खिला दो। जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म आया ये वजूब ख़त्म हो गया वजूब अल खियार नहीं रहा अब वजूब अल ऐन है रोज़ा रखना ही होगा लाज़िमन। सिर्फ एक रियायत बाकी रही कि हाँ अगर बीमार हो सफ़र पर हो तो कज़ा कर सकते हो लेकिन तादाद पूरी करनी होगी वो आयत में बाद में पढ़ूंगा। अभी अब ये जो रियायत रखी गई थी जब रोज़ा रमज़ान का फ़र्ज हो गया तो अब ये तीन रोज़े जो हैं याम 20 के यही लाजिम नहीं रहे लेकिन हुजूर ने इन्हें बरकरार रखा। आप नफली रोज़े रखते थे 13वीं 14वीं 15वीं जो दिन तारीखें हैं हर महीने की आप रोज़ा रखते बाकी रखा। और भी जो लोग जिनको अल्लाह ताला का क़ुर्ब जो है ज़्यादा प्यारा है रूहानियत से जिन्हें ज़्यादा दिलचस्पी है वो नफली रोज़े भी रखते हैं हफ्ते में दो रोज़े गिर का रोज़ और जुमेरात के रोज़ और महीने में फिर 3 13वीं 14वीं और 15वीं ये नफली रोज़े। ये रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज हो गए। इसी तरह जो रोज़ा ना रखे तो फिर एक एक मिस्किन को खाना खिला दें अगरचे ये मुतलकन तो ये मामला ख़त्म हो गया लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत दीन के पेश नज़र इसे बरकरार रखा।